खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। कैमरे की तरफ देख रहे हैं, एकदम डरने के बगैर बोलो, जो हुआ ना आपके साथ आपको वही बोल रहे हैं आप। ओके ओके ओके, बाय बाय। Thank you.
वास्तव में उमेश मेरा नाम इंसा है। 2016 9 जुलाई मुझे पैलेट आया। उसके बाद दो साल तक मैंने पढ़ा नहीं। दो साल के बाद मैंने मैट्रिक का स्टार्ट किया। मैट्रिक मैंने कंप्लीट किया। आज मैंने DPS स्कूल में 11th का एडमिशन किया। आज मैं DPS स्कूल में जाऊंगी। बहुत खुशी हो रही है। जिन्होंने मुझे हेल्प किया इसमें उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने एक खामोश एहतजाज के तौर पर यहाँ किया है। हम चाहते हैं कि इस हवाले से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर कत्लोगारतगिरी का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। आप जानते हो कि यहाँ कश्मीर में हर रोज़ हमारे आंगनों में जवान बेटे और बेटियों की लाशें गिरती हैं और वहाँ बॉर्डर पर LOC पर एक ही कुंबे के पांच अफराद गोलाबारी की जद में आते हैं। आप जानते हो कि वहाँ जवान बेटियाँ और जवान माँ बहनें इस वक्त बंकर्स में रहते हैं, उस स्कूल में रहते हैं और मुंतकल उनको किया गया है स्कूलों में और पंचायत घरों में, जहाँ बिजली की कोई सहूलियत नहीं, पानी की कोई सहूलियत नहीं। आप ही मुझे बताइए कि किस तरह हमारी बेटियाँ, जवान बेटियाँ उन बंकरों में रह रही होंगी एक महीने से, दो महीने से। सो हम चाहते हैं, हम एक मैसेज देना चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान को कि जितने भी तनाज़े हैं आपके, आप पीसफुली उसको एड्रेस कीजिए। हम हुकूमत हिंदुस्तान से कहते हैं कि आपने जो हमारे नहते लोगों के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान किया है, उसको बंद करें। राजनाथ सिंह कहते हैं कि इतनी गोलियां बरसाओ कि इनका शुमार ही ना हो। आप देखिए कि ये जंगजू वाली बात नहीं है, ये दहशतगर्दाना बात नहीं है। हम कश्मीरी जो है, ये हमारा मसला है और हमारी राय जानना बहुत ज़रूरी है और हमारी राय है और हमारा मानना है कि इस मसले को पीसफुल तरीके से हल किया जाएगा। इसमें गोलाबारी और लोगों का मारधाड़ उनकी कोई जगह ही नहीं है। जंग और जिद्द कोई जगह किसी मसले का हल नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो है वो पीसफुल डायलॉग के ही ज़रिए हल किए जा सकते हैं और किए गए भी हैं। और हम आप जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान में कितनी जंगें हुई हैं। हम दोनों मुल्कों से, दोनों नेशनों से अपील करते हैं कि आप कोई जंग और जिद्द ना करें, क्योंकि जंग और जिद्द से सिर्फ तबाही आ सकती है और हम इस तबाही से अपने खत्ते को बचाना चाहते हैं। इस हवाले से मैं
दुनिया भर के लोगों को और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को से भी अपील करती हूँ कि वो आगे आ जाए, अपने कश्मीर को बचाए, अपने लोगों को बचाए, क्योंकि हम जंग वजदल नहीं चाहते हैं। और आप ये भी आप जानते हो कि सिर्फ 31 दिन में उन्होंने 13 लाख पैलेट्स इस्तेमाल किए और इस वक्त भी आप कुपवाड़ा हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए हैं और रोज़ रोज़ हम मरते हैं। हम चाहते हैं कि इफाम तफीम के साथ ये बातचीत करें, पीसफुल डायलॉग स्टार्ट करें, मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल पीस प्रोसेस स्टार्ट करें, ताकि यहाँ के लोग और पूरे खत्ते के लोग अमन चैन और तरक्की से रह सकें। जो दो मामू थे उनको वहाँ के लोगों ने निकाल के पहुँचाया हॉस्पिटल। सागर साहब, नासिर साहब, चौधरी रमजान साहब, बाकी मेरे साथी जो हैं, हम आए हैं ताजियत और हमदर्दी का इजहार करने के लिए। मुस्तफा पता है आप सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जब उनको ये खबर पहुंची थी लियाकत साहब के बारे में, तो उन्होंने फटाफट उस वक्त सागर साहब से और बाकी साथियों से बात की और कहा कि तंजीम के तरफ से जो भी जाए फारूक साहब का यहाँ पे ज़रूर पैगाम पहुँचा दिएगा ताज़ियत का, और लियाकत साहब के घर वालों को तंजीम के तरफ से ये हौसला ज़रूर दीजिए कि इस मुश्किल वक्त में उनको अपने आप को अकेले नहीं समझना चाहिए। आज ना सियासत करने का वक्त है न कोई और बात करने का, हम यहाँ पे आए हैं अपना इंसानी फर्ज पूरा करने के लिए। मुझे मालूम है लियाकत साहब के घर को पिछले 1.5-2 महीने से जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, पहले तो नौजवान एक रिश्तेदार इनका भतीजा उड़ीसा से लापता जो MBBS कर रहा था, उस परेशानी में खुद वो उसको ढूंढने निकले तो वापस घर पहुंचते पहुंचते अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था कि वो घर सही सलामत आए और रास्ते में ही हादसे में वो हमसे छीने गए। एक और इस खानदान का एक चिराग, वो अभी अस्पताल में जख्मी है, अल्लाह करे कि वो सेहतियाब हो और अपने घर वापस लौट सके ना, क्योंकि अभी इस खानदान को आगे चलाने के लिए जिस तरह सैफुल अमीर साहब ने कहा कोई है नहीं। हमारी फौरी तौर 3 जिम्मेदारियां बनती हैं, एक तो जो अस्पताल में है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको सही और बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मिले ताकि वो सेहतियाब हो जाए। दूसरा, जिस भतीजे के खोज में को ढूंढने के लिए लियाकत साहब अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ से गए थे, उसको ढूंढने में हमें पूरा अपना एक रोल अदा करना होगा। मुझे मालूम है कि हमारे JNK पुलिस के DG ने भी उड़ीसा हुकूमत से बात की, लेकिन मैं खुद और मैं फारूक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि एक तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक से वो खुद बात करें, और दूसरा क्योंकि शक है कि ये लड़का जो है ये उड़ीसा से अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था,
मुमकिन है हमें इसमें दूसरी रियासतों को भी शामिल करना होगा, तो मैं आज फारूक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो राजनाथ सिंह साहब से बात करें और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करें हमें मदद करने के लिए कि किसी न किसी तरह इस नौजवान के बारे में हमें पता चले और सही सलामत जो है वो अपने घर इसको हम वापस लौटा सके। तीसरी बात ये कि इस घर की हमें मदद करनी होगी, आज नहीं तो कल, जब भी अल्लाह करे कि हमें वो जरिए जो है वो मिले, वो तौर तरीका हमें मिले, इंशाल्लाह लियाकत साहब के घर को पूरी तरह से मदद हम कर लेंगे ताकि इस घर को हम आगे जो है चला सके और इस घर वाले इन घर वालों को हम ये यकीन दिला सकें कि इनके साथ इस दुख दर्द में और आगे इनके मुश्किलात में ये अपने आप को अकेले नहीं पाएंगे, हम सब जो हैं इनके साथ यहाँ पे होंगे। यही पैगाम लेके मैं इनके घर वालों से मिलने के लिए आज आया था और अल्लाह करे कि हमसे जो बेवक्त इस तरह छीने गए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जो जख्मी हैं उनको सवाब, उनको शफा दे, उनको सवाब पहुँचाए। इन्हीं अल्फाजों के बांडी पोरा का डीसी ऑफिस काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन काफ़ी हद तक अभी इसमें अभी कुछ करना बाकी है। यहाँ लोगों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं है जहाँ वो किसी वक्त किसी ऑफिसर का इंतज़ार कर सकें, उन्हें हर कमरे से दरफदर होकर गुजरना पड़ता है। एक और बड़ी खामी जो यहाँ पे है वो ये है, यहाँ कोई कंटीन नहीं है। यहाँ पे किसी वक्त रिफ्रेशमेंट के लिए या चाय के लिए या किसी खाने के लिए कोई चीज़ दस्तियाब हो, इसके बारे में शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी तवज्जो ना दी हो, अगरचे बारहा उनकी नोट्स में ये मामला लाया गया है। और जगह भी काफ़ी है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ कोई जगह की कमी है, अलबत्ता इसमें सिर्फ तवज्जो की कमी है। और हमारे जो ऑफिसर लोग हैं जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं उन्हें शायद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं या वो लोगों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं, जो एक अलमिया ही कहा जा सकता है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो एक बहुत ही अच्छे कंटीन का डिस्ट्रिक्ट प्रमिसेस में इंतज़ाम करें ताकि लोगों को कोई परेशानी और किसी कस्म की मुसीबत का सामना न हो। यहाँ लोग हाजिन से, सुंबल से और शादीपुरा से आते हैं, जो अक्सर कुछ खाए बगैर ही घर से निकल जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट आते हैं और जिनके लिए बैठने या रहने का या खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, और ये 21वीं सदी है, ये सोचने और समझने की बात है। ये जो यहाँ पर मिनी सेक्रेटेरिएट में कैंटीन का मसला है, इसके लिए डीसी साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें हम हैं, एसीआर बाड़ीपोरा और एक्सिन आरएनपी हैं, एडी फूड हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं और एडी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज हैं। हमने इस पर प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। एक पार्ट अब रह चुका है रिनोवेशन ऑफ दैट प्लेस, जो कि एक्सिन साहब ने उनके लिए हमें एस्टिमेट भेजा है, हम उनको एलोकेशन करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी साल इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसका बिड करेंगे, टेंडर आउट करेंगे। आरएनबी एजेंसी रेंट का जो पार्ट है वो आ चुका है, फूड सेफ्टी ऑफिसर से जो सजेशंस हमने लेनी थी वो हमने ले चुके हैं, एडी फूड से मार्केट सर्वे करवा के जो हमें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना आइटम्स कैंटीन के लिए, तो वो भी हमने करवा दिया है, वो पार्ट भी कम्प्लीट है। और फायर एमरजेंसी एडी से जो हमने रिपोर्ट मांगनी थी फायर सेफ्टी रिपोर्ट की, वो भी आ चुकी है, तो उनमें उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो भी
वो पार्ट भी हमने कंप्लीट करवा चुका है, उसमें हमने किया है वो, तो ऑलमोस्ट हमारा अब प्रोसेस कंप्लीट है। तो हमें थोड़ी सी रिनोवेशन उस पार्ट में करनी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में हम स्टार्ट करवाए। तो आप इसका एक्टिविटी प्लान बना लो, वो यहाँ लटका के रखेंगे और इस वक्त भी कोई आए सीटिंग करनी है। हाँ सर, ये तो अभी सर ये कर दी सर ये कर रहे हैं, इसमें हम दो दिन इसमें हम इंशाल्लाह फिर करेंगे इसका, इसको हमने विंटर्स में किया। ये जो आज का जो ये प्रोग्राम है, हमने स्कूली बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया, जो हर स्कूल यहाँ का है गांधरबल का, तो हमने उन लोगों को आज रोका और जो विदाउट हेलमेट्स जो है बाइक चला रहे हैं कुछ, तो हमने उनको हेलमेट्स भी दिए आज फ्री में, और इस चीज़ की तरफ उनका इशारा दिया है कि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये कानून जुर्म भी है हेलमेट के बगैर चलना, इसमें चालान हो सकता है। लेकिन ये एक अवेयरनेस कैंप टाइप का था आज, जॉइंट स्कूली बच्चों को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया ताकि बच्चों को इस एज में पता चले कि हेलमेट लगाना कितना इम्पोर्टेंट है, और सेफ ड्राइविंग जो है बेसिकली हमारा मोटो था, सेफ ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग। तो यही लेके हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को आगे भी ले जाएँ और बाकी जगहों पर भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद करें। कब में तो ये जब तुम बाइक लेते हो हेलमेट नहीं लेते हेलमेट किस लिए जरूरी है, मेरे लिए है कि तुम्हारे लिए, कुछ नहीं लगा है। अच्छा बेटे जिंदगी अनुभव है, आप एक बार बच्चे के साथ वादा करो कि मैं हेलमेट लगाऊंगा। किसके साथ? हाँ वेरी गुड है इसका। बच्चा आगे देखो, आप आगे धीरे से चलाना चाहिए, हमारी फैमिली जो है बड़ी परेशानी में, तुम्हें कुछ होगा। चलो गॉड ब्लेस यू, जाओ। रोहित सर हेलमेट क्या है? ये तुम्हारी सेफ्टी है, आप इस बच्चे के सर पे हाथ रख के बोला मैं हेलमेट लगाऊंगा, इंशाल्लाह नहीं सर पे हाथ रख सर पे हाथ रख के बोला हाँ रख हेलमेट लगाओ।
डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता माता की जय, भारत माता की जय, बॉर्डर रोड्स की जय, बॉर्डर रोड्स तकबीर भारत, तकबीर भारत, ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।